हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रेकर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग CDP की टॉपिक वाइज तैयारी कर रहे हैं, जो कि हमारे CTET एंड अदर टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस सीरीज में जो हमारा पहला टॉपिक था वो था समाजीकरण प्रक्रिया, जिसमें हम लोगों ने सोशलाइजेशन प्रोसेस से रिलेटेड 102 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको वो वीडियो ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो उसको भी ज़रूर देखिए। सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज हम जिस टॉपिक से पिछली परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा से रिलेटेड हम 160 प्रश्नोत्तर सॉल्व करेंगे। इसके हर पार्ट में हम लोग 40 क्वेश्चन करेंगे, यानी कि चार पार्ट्स में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। पिछली वीडियोज़ की तरह ही आपको मेरे सही उत्तर पर टिक करने से पहले आपके अकॉर्डिंग जो उत्तर सही है उसको चूज करने हैं और अपने स्कोर जो है आपके जितने क्वेश्चंस आप सही कर पाते हैं उसको भी काउंट करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है। सेकंड है वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। थर्ड ऑप्शन है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे वो CTET 2011 फर्स्ट पेपर में पूछा जा चुका है। अच्छे से सोच के जवाब दीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखते हैं वो बुद्धिमान बच्चों की श्रेणी में नहीं आते हैं, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग याद करना जो है, रट्टा मारना जो है, वो बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। सेकेंड ऑप्शन है परीक्षा में अच्छे अंक के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। थर्ड है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है वो है आपका ऑप्शन डी, प्रत्येक शिक्षार्थियों की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। फर्स्ट ऑप्शन है सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना। सेकंड ऑप्शन दिया गया है आपको कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। थर्ड है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। एंड फोर्थ ऑप्शन है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। तो यहाँ पे जिन बच्चों के बारे में बात की जा रही है वो प्राथमिक स्तर यानी कि प्राइमरी लेवल के हैं। तो उन विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने के लिए जो सबसे बेहतर तरीका है वो है आपका ऑप्शन सी, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। फर्स्ट है विशेष विद्यालयों में। सेकेंड है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। थर्ड है अन्य सामान्य बच्चों के साथ। एंड फोर्थ ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि समावेशी शिक्षा का जो तात्पर्य है वो है समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करते हुए उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना। तो यहाँ पे बात की गई है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराए जाने के बारे में। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका पठन विकार। तो यहाँ तो फर्स्ट ऑप्शन में ही क्लियर हो गया, एकदम इजी सा क्वेश्चन है, तो मुझे नहीं लगता इसमें सेकेंड ऑप्शन देखने की भी जरूरत है। करेक्ट आंसर होगा 5 का हमारा ऑप्शन 1, डिसलेक्सिया जो है वो पठन विकार से संबंधित डिसेबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया आपसे कि प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है अभिव्यक्ति में नवीनता। सेकंड है जिज्ञासा।
थर्ड है सृजनात्मक विचार एंड फोर्थ ऑप्शन है दूसरों के साथ झगड़ना। तो ऑब्वियस सी बात है दूसरों के साथ जो झगड़ना है वो प्रतिभाशाली यानी कि गिफ्टेड चाइल्ड जो होते हैं उनके लक्षण बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, पांचवी कक्षा के दृष्टि बाधित विद्यार्थी फर्स्ट ऑप्शन है के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थी के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। थर्ड है विद्यार्थी को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। एंड फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता दी जानी चाहिए। तो यहाँ पे बात की जा रही है वैसे स्टूडेंट की जो देखने में जिनको प्रॉब्लम हो रही है, दृष्टिबाधित है, ठीक है। तो उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए वो होगा आपका ऑप्शन 1। इस तरीके के विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और चूंकि वो देख नहीं पाते हैं इसलिए अपनी श्रवण इंद्रियों का ज़्यादा प्रयोग करेंगे, इसलिए उन्हें श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति दे देते हैं। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका सीटेट 2011 पेपर 1 में पूछा जा चुका है। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। फर्स्ट ऑप्शन है अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन है अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। थर्ड है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। एंड फोर्थ ऑप्शन है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दे। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन 1। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया आपसे कि कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। यह दर्शाता है कि फर्स्ट ऑप्शन है कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। सेकंड है उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। थर्ड है विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने की अवसर देता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। तो कृतिका एक स्टूडेंट है जो घर में ज़्यादा बात नहीं करती है लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है, तो इसका रीजन क्या हो सकता है ये बताइए। 9 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको शिक्षार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में। सेकंड ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। थर्ड ऑप्शन दिया गया है आपको विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। एंड फोर्थ ऑप्शन है विद्यालय को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता को चुनौती के रूप में। तो यदि आप ऑप्शन 1, 2 एंड 4 इन तीनों को देखो तो तीनों ही निगेटिव वे में जा रहे हैं बहुभाषिकता को लेकर। तो जो पॉजिटिव साइन देता है वो है आपका ऑप्शन सी, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों। सेकंड है नियमित विद्यालयों। थर्ड है विशेष विद्यालयों। एंड फोर्थ ऑप्शन है मुक्त विद्यालयों। 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, नियमित विद्यालयों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। सृजनात्मक विद्यार्थी वह जो फर्स्ट ऑप्शन है पार्श्व यानी कि लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छे हैं। सेकंड ऑप्शन है ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है। थर्ड है बहुत बुद्धिमान है। एंड फोर्थ ऑप्शन है परीक्षा में हर बार
अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य हैं। तो क्रिएटिव स्टूडेंट यानी कि सृजनात्मक विद्यार्थी के लक्षण क्या है ये बताइए। 12 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया आपसे कि इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करोगे। फर्स्ट ऑप्शन है उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए। सेकंड है इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे। थर्ड है उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। एंड फोर्थ ऑप्शन है उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे। 13 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। सेकंड है गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना। थर्ड है तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। एंड फोर्थ ऑप्शन है विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। करेक्ट आंसर होगा 14 का हमारा ऑप्शन डी, विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग करना। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सुसंगत वर्तनी में कठिनाई। सेकंड है वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई। थर्ड है पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। एंड फोर्थ ऑप्शन है शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। 15 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है समावेशी शिक्षा के द्वारा। सेकंड है मुख्य धारा में डालकर। थर्ड है समाकलन द्वारा। एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 16 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, समावेशित शिक्षा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है। फर्स्ट ऑप्शन है अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना। सेकंड है विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक निर्देशन। थर्ड है सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग यानी कि सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। एंड फोर्थ ऑप्शन है अध्यापन के लिए योग्यता आधारित सामूहिकरण। तो ये क्वेश्चन जो है आपका वो राजस्थान टेट 2011 सेकेंड पेपर में पूछा जा चुका है, तो अच्छे से सोच के जवाब दीजिएगा इसका। 17 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालकों की। सेकंड है सामान्य बालकों की। थर्ड है सृजनशील बालकों की। एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 18 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, सृजनशील बालकों की। क्वेश्चन नंबर 19, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। फर्स्ट ऑप्शन है भागने की प्रवृत्ति होना। सेकंड है अशांत ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना। थर्ड है अवधान संबंधी बाधा यानी विकार। एंड फोर्थ ऑप्शन है अभिप्रेरणा का अभाव। तो अधिगम निर्योग्यता के जो लक्षण है ये बताना है आपको। 19 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, अवधान संबंधी बाधा या फिर विकार। क्वेश्चन नंबर 20, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रेन स्ट्रमिंग यानी कि विचारावेश। सेकंड ऑप्शन है व्याख्यान विधि। थर्ड है दृश्य श्रव्य सामग्री। एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। 20 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, ब्रेन स्ट्रमिंग यानी कि विचारावेश। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को फर्स्ट ऑप्शन है निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ करना उचित है। सेकंड है उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए। थर्ड है कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। एंड फोर्थ ऑप्शन है कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। 21 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान की जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे।
फर्स्ट ऑप्शन है आपका, उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। सेकंड ऑप्शन है, उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। थर्ड है, उसे श्यामपट आदि साफ करने का काम देंगे। एंड फोर्थ ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको एक ऐसे बच्चे को सही दिशा में लाना है जो अति सक्रिय है, यानी कि काफ़ी चंचल है। 22 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, उसे श्यामपट आदि साफ करने का काम देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। फर्स्ट ऑप्शन है, उनके अभिभावकों की चित्रवृत्ति पर। सेकंड है, उनके समकक्षियों की अभिवृत्ति पर। थर्ड है, दूरदर्शन के प्रभाव पर। एंड फोर्थ ऑप्शन है, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो ये क्वेश्चन आपका UPTET 2011 फर्स्ट पेपर में पूछ चुका है। 23 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया आपसे कि आपको अपनी कक्षा में दो मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, ऐसे में आप क्या करोगे। फर्स्ट ऑप्शन है, उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार कर देंगे। सेकंड है, प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है उसमें बैठाने के लिए बोलेंगे। थर्ड है, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। एंड फोर्थ ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो यदि आपकी क्लास में दो मंदबुद्धि बालकों को बैठाने के लिए बोला जाता है तो आपके अकॉर्डिंग इन चारों ऑप्शंस को देखते हुए जो बेस्ट है वो बताइए। 24 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करता है। फर्स्ट ऑप्शन है, समुदाय के समर्थन पर। सेकंड है, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। थर्ड है, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर। एंड फोर्थ ऑप्शन है, शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। 25 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन वन, समुदाय के समर्थन पर। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण है। फर्स्ट ऑप्शन है, कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव। सेकंड है, विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव। थर्ड है, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना। एंड फोर्थ ऑप्शन है, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। 26 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है, विद्यार्थियों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना। सेकंड है, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। थर्ड है, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना। एंड फोर्थ ऑप्शन है, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए वो होगा आपका ऑप्शन डी, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, समाज आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को डैश सहायता करता है। फर्स्ट ऑप्शन है, स्व अधिगम मॉडल। सेकंड, विभेदित निर्देश। थर्ड, पाठ्यचर्या का विस्तार। एंड फोर्थ ऑप्शन है, संज्ञानात्मक वर्गीकरण। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो छत्तीसगढ़ टेट 2011 सेकंड पेपर में पूछ चुका है। तो 28 का आपके अकॉर्डिंग जो सही उत्तर है वो कौन सा है। 28 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन वन, समाज आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है उनको स्व अधिगम मॉडल सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया आपसे कि सीखने का वह मॉडल जो बच्चों के सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है वह है, फर्स्ट ऑप्शन है बैंकिंग मॉडल, सेकंड है रचनावादी मॉडल, थर्ड है प्रोग्रामिंग मॉडल। एंड फोर्थ ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। 29 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, रचनावादी मॉडल। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है जैविक मंदता, सेकंड है पारिवारिक मंदता, थर्ड आकस्मिक मंदता। एंड फोर्थ ऑप्शन है चिकित्सा मंदता। 30 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन वन, जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता जैविक मंदता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया आपसे कि श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रेल लिपि, सेकंड सांकेतिक भाषा, थर्ड यंत्र। एंड फोर्थ ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। 31 का करेक्ट आंसर होगा हमारा
ऑप्शन बी सांकेतिक भाषा, यानी कि उनको इशारों से समझाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया आपसे कि निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है मानसिक मंदता, सेकंड डिसलेक्सिया, थर्ड अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑटिज्म। 32 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 33 समावेशी शिक्षा, फर्स्ट ऑप्शन है दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, सेकंड है तथ्यों की शिक्षा यानी कि मतारोपण से संबंधित है, थर्ड है हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है एंड फोर्थ ऑप्शन है कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। 33 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है, फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, सेकंड है व्यवस्था फेल हुई है, थर्ड है बच्चा पढ़ाई करने के योग्य नहीं है एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है। तो यदि बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि व्यवस्था फेल हुई है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन है उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, सेकंड है सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, थर्ड है प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। 35 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 सृजनात्मकता मुख्य रूप से दैस से संबंधित है, फर्स्ट ऑप्शन है मॉडलिंग, सेकंड अनुकरण, थर्ड अभिसारी चिंतन एंड फोर्थ ऑप्शन है अपसारी बहुविध चिंतन। तो ऑब्वियसली सृजनात्मकता जो है वो अपसारी चिंतन से रिलेटेड है, करेक्ट आंसर होगा 36 का हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया आपसे कि विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए है, फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने, सेकंड है विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने, थर्ड है विद्यालय का नाम रोशन करने एंड फोर्थ ऑप्शन है अभिभावकों को संतुष्ट करने। 37 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन वन विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 38 जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थी को कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं, सेकंड है समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, थर्ड है सभी विद्यार्थियों में दृष्टिबाधित विद्यार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है एंड फोर्थ ऑप्शन है दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है। तो जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो ऐसा करके वो क्या प्रदर्शित कर रही है ये बताइए। 38 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो फर्स्ट ऑप्शन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है, सेकंड है केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है, थर्ड है जो सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है एंड फोर्थ ऑप्शन है जो उनकी शारीरिक बौद्धिक सामाजिक भाषिक तथा अन्य विभिन्न योग्यता स्थिति को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। 39 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो बच्चों को उनकी शारीरिक बौद्धिक सामाजिक भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 श्रवण हास्य ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य यानी कि कुंठा का सामना करते हैं,
फर्स्ट ऑप्शन है दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। सेकंड है दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता। थर्ड है प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता। एंड फोर्थ ऑप्शन है खेलकूद में भागीदारिता निभाने में अक्षमता। करेक्ट आंसर होगा 40 का हमारा ऑप्शन वन, दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इसके पार्ट वन में हम 40 क्वेश्चन ही करेंगे, तो इसका पार्ट वन कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा और शेयर भी जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।